वेलफेयर सोसाइटी जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि यूथ ट्रस्ट यूथ जिहदे विच सारा काम करता है। साडे ही क्लब दे मैंबर ने रेनू रेनू जी जिन्हां ने जो कि एक आर्टिस्ट ने स्कल्पचर आर्टिस्ट ने उन्होंने जम्मू विच GSI विच जो हाथी दे दंद 15,000 साल पुराने जोड़ के पूरे देश नू दस्या है कि जिहड़े यूथ है वह वध चढ़ के हर एक जगह विच अगे वध रहा है, हर कुछ भी कर सकता है। तो ये साडी पूरी टीम इहदे नाल सीगी जिन्हां ने इहदे सहयोग नाल आपां इन्हां ने सब कुछ किया है। ठीक है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਕਲਪਚਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। मैं रिनला पठानकोट से, मैं एक स्कल्प्टर आर्टिस्ट हूँ और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था और वो गोल्ड मेडल मुझे वहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने दिया था। देन उसके बाद गवर्नमेंट के साथ मैंने कई तरह के प्रोजेक्ट्स किए जिसमें KMP हाईवे, अहमदाबाद में जो प्रोजेक्ट्स थे वो, एंड केरला और इंडिया के कई अलग अलग स्टेट्स में मैंने प्रोजेक्ट किए हैं और अभी भी रिसेंटली मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग में हैं। और इसके अलावा मेरे जो स्कल्पचर हैं इंडिया के रॉयल फैमिलीज की कलेक्शन में है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कल्पचर है जम्मू की जो महारानी ज्योत्सना सिंह है उनके पास है। और अभी रिसेंटली GSI डिपार्टमेंट के साथ मैंने एक टस को रिस्टोर किया है जो कि उनको आई थिंक काफ़ी साल पहले मिला था और उसको 2-3 बार उन्होंने रिस्टोर करने की कोशिश भी की थी जो कि सही नहीं हो पाया था। देन अभी लास्ट वीक ही मैंने उसको जो कि 7 या 10 ऐसे करके कुछ पीसेस थे उसके अंदर वो डिवाइड हुआ था और एक एक पीस का वेट काफ़ी हैवी था और उसको मैंने केमिकल प्रोसेस और नेचुरल सोर्स के जरिए उसको ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के बाद मेरी जो कोशिश थी वो सफल हुई और JSE डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था उस काम को। क्या था वो, क्या चीज़ थी? वो टस्क था जो 20,000 साल पुराना था और मैमथ का टस्क था, वो दांत था जो वहीं से जम्मू कश्मीर से ही कहीं से उनकी साइड से मिला था। कितने पीसेस थे उसके? वो आई थिंक 7 या 8 पीसेस में डिवाइड था और वो उनकी कलेक्शन में ही था जो उनको बहुत साल पहले मिला हुआ था। कितना का वेट होगा उसका? अगर हम ऐसे देखा जाए तो वो 7.5-8 फीट के समथिंग रेडी हुआ था और उसका वेट 90 kg के समथिंग था। बाबा अघोरीनाथ, भगती दी शक्ति है मेरे कोल, वशीकरण अते मुटकरनी दे बेताज बादशाह बाबा अघोरीनाथ, मेरे किते कम नू कटन वाले नू मुंह मंगया इनाम, समस्या चाहे जितना दी भी होवे जड़ तो खत्म, प्यार च तोखा सोतन दुश्मन तो छुटकारा, कारोबार च काटा नौकरी दी समस्या, जिंदगी दी A to Z हर समस्या दे समाधान लई एक बार फोन जरूर करो बाबा अघोरीनाथ। मोबाइल नंबर 9815705376।